हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं टेक एग्जीक्यूटिव एजेंसी वैकेंसी जुड़ी एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग भी अपना नया सीएससी सेंटर एजेंसी वैकेंसी ओपन कर रखे हैं तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हम लोगों को अगर अपने कस्टमर्स के पैन कार्ड बनाना है तो कौन से पोर्टल्स की आईडी लेनी चाहिए, कौन सा पोर्टल हम लोगों को लेना चाहिए। मेनली हम लोगों के इंडिया में टू पोर्टल्स हैं, एक हो गया एनएसडीएल और दूसरा हो गया यूटीआई। आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को कौन सा पोर्टल लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों पोर्टल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आप लोगों को ये पोर्टल्स लेने कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों को एजेंसी वैकेंसी रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आप लोगों को दोनों पोर्टल में अपने कस्टमर से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा पैन कार्ड बनाने के लिए। तो एनएसडीएल की अगर बात करें तो आपको अपने कस्टमर से लेना पड़ेगा उसका एक फोटो, उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी और उसके सिग्नेचर, एक कहीं पर भी वो सिग्नेचर कर देगा वो आपको इमेज चाहिए सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे, ठीक है। वही अगर बात करें यूटीआई की तो यूटीआई में आप लोगों को दो फोटो चाहिए होते हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होती है और सिग्नेचर चाहिए होती है ब्लैंक पेपर पे। दोनों में बस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक ही फर्क है कि उसमें आपको सिंगल फोटो चाहिए होता है और आपका यूटीआई में डबल फोटो चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फीस की कि आप लोगों का एनएसडीएल और यूटीआई दोनों ही पोर्टल में आप लोगों की फीस कितनी कटती है। तो दोनों ही पोर्टल में आपकी फीस जो है वो 106 रुपए कटती है आपके फिजिकल पैन कार्ड के लिए। और अगर दोस्तों बात करें टाइम की कि पैन कार्ड अप्लाई करने से लेके पैन कार्ड आने तक में कितना टाइम लगता है दोनों ही पोर्टल में, तो एनएसडीएल में आपका ज्यादा टाइम लगता है अप्लाई करने में भी और आने में भी काफी टाइम लगता है। वहीं यूटीआई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर का और उसमें आपका जो आने में टाइम लगेगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके कस्टमर के घर पे उसका पैन कार्ड पहुंच जाएगा। और बात करें अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की तो आप लोग अगर एनएसडीएल से किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी सबमिट नहीं करना पड़ता। वहीं अगर आप यूटीआई के पोर्टल से करेंगे ना तो आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कस्टमर का निकाल के आएगा पैन कार्ड का, इसको आपको यूटीआई के ऑफिस आपको कुरियर करना पड़ेगा। यह एक डिसएडवांटेज हो गया यूटीआई का। और बात करें अगर आधार बेस्ड केवाईसी वेरिफिकेशन की तो आप लोग अगर एनएसडीएल से अपने किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड बनाते हैं तो उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा तभी आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप यूटीआई से बनाते हैं तो आपका ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, बिना ओटीपी के भी आप सिर्फ उसके आधार कार्ड और उसके दो फोटो से उसका पैन कार्ड बना सकते हैं। तो इस चीज में मुझे यूटीआई ज्यादा बेस्ट लगा। और बात करें अगर करेक्शन और करेक्शन की डॉक्यूमेंट्स की तो आप लोग अगर एनएसडीएल से किसी का भी करेक्शन करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूटीआई से किसी का भी करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसमें आप लोगों के दूसरे फॉर्मेट्स मांग लेता है जैसे सेक्रेटरी के सिग्नेचर फॉर्मेट पे और किसी म्यूनसिपल काउंसिलर का सिग्नेचर, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेता है करेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं एनएसडीएल पोर्टल के थ्रू तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड अपने कस्टमर का फोटोकॉपी लगाना रहता है और आप करेक्शन बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इस चीज में मुझे एनएसडीएल पोर्टल ज्यादा बेस्ट लगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कौन सा पोर्टल लेना चाहिए, आप लोगों के एजेंसी और सीएससी सेंटर के लिए कौन सा पोर्टल बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यूटीआई पोर्टल सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, मैं खुद भी पर्सनली उसको यूज करता हूँ। जो पैन कार्ड वगैरह है ना ये सारे मैं खुद ही यूटीआई से बनाता हूँ। एनएसडीएल में आपका क्या है, डाटा लॉस बहुत होता है, बार बार रिफ्रेश हो जाता है वेबसाइट पे। और यूटीआई जो है ना इसमें आपको एक पोर्टल मिल जाता है सेपरेट, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये एक पोर्टल रहता है, इससे आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं कौन सा पैन कार्ड आपका पेंडिंग है, कौन सा आपने बनाया है, कौन सा ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल एक ही जगह पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी पोर्टल को लीजिएगा यूटीआई वाला। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग एनएसडीएल या यूटीआई की अगर पोर्टल आईडी लेना चाहते हैं तो आप लोग कैसे ले सकते हैं अपने कस्टमर्स के पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो एनएसडीएल की आईडी लेने के लिए आप लोग एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। उसके कुछ टाइम के बाद उसका जो एजेंट होगा एनएसडीएल का आपके एरिया में वो आएगा और आपको आईडी वगैरह प्रोवाइड कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद। उसमें कुछ चार्ज भी शायद लेता है, शायद 500 या 1000 के आसपास उसमें चार्ज पड़ता है एनएसडीएल आईडी लेने के लिए। वहीं अगर आप यूटीआई की आईडी लेते हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है, क्योंकि अगर आपके पास स्पाइस मनी आईडी है तो इसमें आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यूटीआई पोर्टल मिल जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता स्पाइस मनी आईडी क्या है तो आप लोगों को आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। स्पाइस मनी है कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट पोर्टल है, उसमें आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी सर्विसेज है जो आप लोग जनसेवा केंद्र पर अपने प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे रिचार्जेस हो गया, गैस पेमेंट हो गया, गैस सिलेंडर बुकिंग हो गया, बहुत सारे, उसमें अच्छा कमीशन भी मिलता है। आप लोग देख लीजिएगा, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और स्पाइस मनी से कैसे पैन कार्ड अप्लाई करना है यूटीआई पोर्टल से, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रखा हूँ, आप लोगों को उसका भी वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को यूटीआई पोर्टल कैसे लेना है।
आई थिंक गाइज आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को जल्द से वैकेंसी रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को 100% उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।